हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन गार्डनिंग चैनल। आज के वीडियो में आप मेरे सामने जो है वो कॉस्ट आयरन प्लांट देख रहे हैं, एस्पिडिस्ट्रा का प्लांट देख रहे हैं। ये वही प्लांट है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था 7 to 8 months बिफोर, और उस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ ये प्रॉमिस किया था कि ये प्लांट जो है ये कभी ब्लूम करेगा तो इसके फ्लावर्स जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आज टाइम है ये अपने ब्यूटीफुल फ्लावर्स जो हैं उनके साथ जो है ब्लूम कर रहा है और हेल्दी ग्रो कर रहा है। तो अभी, और अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो उसका जो लिंक है वो आप लोगों के साथ मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा और इस वीडियो में भी शेयर कर दूंगा। आप वो वाला वीडियो जो है इसकी केयरिंग टिप्स के रेफरेंस से, इसको ग्रो कैसे करते हैं उसके रेफरेंस से वो वीडियो है, वो आप ज़रूर देखिएगा। और अभी चलते हैं, मैं आप लोगों को इसके जो ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, इसके ब्यूटीफुल ब्लूम्स हैं, वो आप लोगों से शेयर करता हूँ। सो लेट्स वॉच। जी व्यूअर्स, ये कॉस्ट आयरन का प्लांट है, हेल्दी ग्रो कर रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। सच अ ब्यूटीफुल प्लांट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके लीव्स जो हैं वो भी हेल्दी ग्रो कर रहे हैं, प्लांट जो है वो भी हेल्दी ग्रो कर रहा है। और यहाँ पे जो इसकी ब्यूटी है वो आप देख सकते हैं, इसके टाइनी फ्लावर्स। और यहाँ पे एक और फ्लावर जो है, एक और फ्लावरिंग बर्ड जो है वो आप देख सकते हैं, ये भी विद इन अ डे ये भी ब्लूम करना स्टार्ट कर देगा। और यहाँ पे भी एक ब्लूम है इसका, एक फ्लावर स्टॉक है जो डेवलप हो रहा है, और ये स्पॉट के साथ जो है वो फुली स्टक हो चुका हुआ है, लेकिन आई थिंक के ये भी जो है वो स्लाइटली ब्लूम कर जाएगा। और यहाँ पे एक और फ्लावरिंग बर्ड जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। और यहाँ पे भी इसका ये ओल्डर फ्लावर है, ये अपना जो ऑलमोस्ट लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट कर चुका हुआ है, लेकिन स्टिल ब्यूटीफुल। और यहाँ पे न्यू शूट्स हैं वो इमर्ज हो रही हैं। और यहाँ पे इसका जो फ्लावरिंग स्टॉक है, फ्लावरिंग बर्ड है, जो विद इन अ डे ब्लूम करना स्टार्ट कर देगी। और ओवरऑल हेल्थ जो है वो भी प्लांट की गुड है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका जो इनर साइड है वो स्लाइटली पर्पलिश है, और आउटर साइड जो है वो इसके कितने ब्यूटीफुल है। और जब ये प्लांट जो है ये मैच्योर हो जाते हैं और हेल्दी हो जाते हैं तो ये इनके ब्लूम्स जो हैं ये भी स्लाइटली बिगर हो जाते हैं। तो खूबसूरत प्लांट है, आप इसको इंडोर ग्रो कर सकते हैं, आप इसको आउटडोर ग्रो कर सकते हैं, बेस्ट चॉइस है आपके इंडोर प्लांट्स के लिए। और इनके जो फ्लावर्स हैं वो भी आप लोगों ने देखे हैं कि कितने ब्यूटीफुल होते हैं, खूबसूरत प्लांट है, खूबसूरत फ्लावर्स हैं। आई होप कि आपको इसके फ्लावर्स जो हैं वो जो हैं ब्यूटीफुल लगे होंगे। आई थिंक मुझे तो ये इसके फ्लावर्स जो हैं बहुत ब्यूटीफुल लगे, और काफ़ी वेट किया मैंने इसके ब्लूम का, तो मैं बहुत एक्साइटेड था कि इसके फ्लावर्स जो हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आपको कैसे लगे इसके बारे में मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जी व्यूअर्स, आपको कॉस्ट आयरन प्लांट जो है उसके रेफरेंस से जो मेरा वीडियो है वो कैसा लगा, स्पेशली इसके फ्लावर्स जो हैं वो आप लोगों को कैसे लगे, इसके बारे में मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप कॉस्ट आयरन प्लांट जो है उसको अपने गार्डन में स्पेस देना चाह रहे हैं, इसको ग्रो करना चाह रहे हैं, और इसके प्लांटेशन के रेफरेंस से कोई इन्फॉर्मेशन या कोई इंक्वायरी हो तो आप मुझे कह सकते हैं। आई विल ट्राई एट माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको रिप्लाई कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।